गर्व रिड्यूसिंग यस सर। एजेंट में कहां तक क्वेश्चन करा दी थी, याद है तेरे को? सर वो मतलब लास्ट आपने ग्रेविनार्जेंट में वो एक वो सवाल कराया था, मतलब साइक्लोहेक्सेनॉन है और उसका उसमें एक छोड़ के डबल बॉन्ड। नहीं, H2Ni के क्वेश्चन करा दिए मैंने, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन करा दिए थे क्या? सर लास्ट तो मेरे को वो याद आ रहा है, आपने वो वाला क्वेश्चन दिया था वो मतलब एक ET लगा हुआ है, एक ME लगा हुआ है और वो कितने वो वाला। अच्छा, हाइड्रोजनेशन का। अच्छा हाँ, नहीं चल, वो तो हो चुका है ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद होगा जब हमने इथीन के अंदर, ध्यान है ना, इथीन के अंदर क्या डाला था, N2H4+H2O2, H2O2, N2H4 रिड्यूसिंग एजेंट, H2O2 एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों रिएक्ट करके जनरेट करते थे क्या, N2H2। याद आ गया कि नहीं? N2H2 है ना, N2H2, एक ओ यहां से, एक ओ दोनों नाइट्रोजन से एक एक एच ले लेगा, तो N2 क्या बन जाता है, N2H2+2H2 बाहर ये बाहर निकलता था, और ये N2H2 ये मेन रिड्यूसिंग एजेंट था, ये इस पे अटैक करता था, ये इस पे अटैक करता था और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता था 6 मेंबर की, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता था 6 मेंबर की, याद आ गया कि नहीं? डाइइमाइड सिन एडिशन करता था, डाइइमाइड सिन एडिशन, मैं बताया था मैंने, ये N2H4 जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसका एयर के थ्रू भी ऑक्सीडाइज होने का डेंजर रहता था एक, इसलिए ज्यादातर ये हाइड्रोजन जो है अपनी सॉल्ट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, अपनी सॉल्ट की फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो सके एयर के थ्रू। तो यहाँ पे N2H2 जो है ये रिएक्शन में ही प्रोड्यूस होता है, डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए रिएक्शन में प्रोड्यूस किया और फिर ये रिएक्शन करता था इस तरीके से, CH2, ध्यान आएगा नहीं पूरे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये N2H2, जहां पे दो एन एक साथ दिख गए, यानी नाइट्रोजन गैस को बाहर निकलना ही निकलना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, आ गया ना 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान आ गया कि नहीं? ये सब कराया हुआ है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, CH2, ये N, यहाँ डबल बॉन्ड N, जो बॉन्ड टूट रहे हैं उनको डॉटेड में दिखा देंगे, ये डॉटेड में, ये डॉटेड में, और जो बन रहा है उसको डॉटेड में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये आती है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान आ गया कि नहीं? ये सिर्फ पाई बॉन्ड जो कि सेम एटम्स के बीच में थे उन्हीं को रिड्यूस करता था, जो पाई बॉन्ड्स सेम एटम्स के बीच में, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या एन डबल बॉन्ड एन, उन्हीं को ही रिड्यूस करता है, ये कीटोन को, या फिर स्टील बॉन्ड ओ हो या सी डबल बॉन्ड एन हो, इनको रिड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखना पूरा, ये मैंने कराया वो तुम्हें सही ना, और इससे फाइनल आंसर क्या मिलता था, इथेन प्लस N2 गैस, और 2H2 तो निकल ही चुका है, ये मैं कह रहा मैं करा चुका तुम्हें, अब इसके क्वेश्चन देने मेरे को, गर्वी हो चुका है ना? यस सर, मैकेनिज्म करा रखा है। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्वेश्चंस कराए थे क्या इसके? सर याद नहीं आ रही, एक बार मैं देखता हूँ। एक बार चलो, एक बार तू देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इजी से स्टार्ट किया होगा, बिल्कुल N2H4+H2O2, N2D4 ले ले प्लस H2O2, एक बार इथीन के साथ, एक बार प्रोपीन के साथ, सेम रिएक्शन इथीन के साथ, प्रोपीन के साथ, ब्यूटीन के साथ, आइसोब्यूटाइलिन के साथ, सेम रिएक्शन करनी है सबके साथ, आइसोब्यूटाइलिन के साथ, सिसब्यूटुइन के साथ, ट्रांसब्यूटुइन के साथ, इन सबके साथ सेम रिएक्शन, क्या क्या लिखवाए हुए क्वेश्चन लिखे हुए ये? नहीं इसका नहीं कराया था आपने क्वेश्चन अभी। लिख रहे थे शायद। चलो अभी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आज क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, नया टॉपिक नहीं कराऊंगा कोई, अब नया टॉपिक जो तुम्हारा होना है ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने उस दिन गर्व, तुमने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की है, ग्रीन हाइड्रोजन मैंने पढ़ाया पूरा 2.5 घंटे के आसपास, 2.5-3 घंटे क्लास हुई थी उस दिन। सर ऑफलाइन वाली हाँ, इसे मैं नोट्स देख लिए थे उसके। नोट्स अच्छे ग्रुप में भेजे थे किसी ने, यस मैंने सर, बोला था तुम्हें। हाँ चलो, कर लिया तूने एक बार? यस सर पढ़ लिया था। हाँ चलो, उसी के क्वेश्चन कराने में ली, यही कंजुगेट एडिशन कराने के बाद उसी के क्वेश्चन कराने, एक बार पहले इसके क्वेश्चन कर लो जल्दी से।
हाँ ट्राई कर लिए क्वेश्चंस। यस चलो पहले का आंसर, हाँ सर, इथेन। फर्स्ट का आंसर तो इथेन आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर सबने निकाल लिया इथेन। सर सेकंड का आंसर सी एच टू डी, सी एच टू डी। CH2D, CH2D। नेक्स्ट प्रोपीन में क्या आएगा, कितने प्रोपीन आंसर आएंगे प्रोपीन में? प्रोपेन आएगा एक आंसर, ये आएगा। और दूसरे केस में क्या आंसर आएगा, डी वाले केस में? सिन एडिशन, दो आंसर हैं एक है। गर्व कितने आंसर हैं, दो हैं कि एक है? ये सर एक प्रोपीन में सेकेंड, जब डी वाला लगेगा। हाँ सर एक सेकेंड सर, दो हैं। हाँ दो, ये निकाला नहीं तूने पूरा सीरो, इसमें निकाला मेन थी। क्वेश्चन तो इजी है ना सर वो ये मैंने एच डी ये वाला टू। ध्यान नहीं दिया, डी वाला करा नहीं। अच्छा करा ही नहीं डी वाला। चलो अभी मैं ये वाला हटा रहा हूँ, पार्ट दो बता दिए मैंने। तीसरा, तीसरे में आंसर क्या आएगा, तीसरे इसमें मिथाइल में आंसर देखो क्या एच आएगा। सर, इसमें भी दो आ जाएंगे। इसमें भी दो आंसर आए, पहले तो ब्यूटेन ही आना है, और दूसरे का आंसर आएगा डी और डी सिन एडिशन, और ये काइरल सेंटर आ गया तो प्लस मिरर इमेज, प्लस मिरर इमेज। नेक्स्ट वाले में एक ही आएगा हर केस में एक ही आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें जब डी लगेगा तो कोई काइरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। डी डी कोई काइरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। नेक्स्ट वाले में उससे, सर, एक ही आएगा। हाँ इसमें देखो पहले पहले तो ब्यूटेन ही आना आंसर, और N2D2 डालेंगे तो मीजोफॉर्म आएगी कि नहीं? यस सर, मीजोफॉर्म यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी इसमें, तो ये भी एक ही आंसर है। इस केस में से इसमें दो आएंगे। एक आंसर तो ब्यूटेन ही है, दूसरा आंसर क्या आएगा सर सी इसमें एस दो थ्री आएंगे नॉन मीजो वाले। हाँ CH3 HD, HD सिन एडिशन था ना इसका, ध्यान है कि नहीं? सिन एडिशन था इसका, ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, किसी भी एक साइड से एडिशन होगा इसकी मिरर इमेज, क्योंकि ये मीजो नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज भी आएगी। CH3 CH3 DHHD, ये निकाला है गर्व। यस सर, एक बार चेक कर लो ये आंसर है कि नहीं। ये सबको समझ आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन, ये सबको समझ आ गया कि नहीं? यस सर, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट सही होने चाहिए वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज करनी है। रिएक्शन N2H4, मतलब रेजेंट इतनी बार तुम लिख लो कि एटलीस्ट रेजेंट याद हो जाए, रेजेंट जरूर याद हो जाए, ताकि वहां पे क्वेश्चन आए ना तुम्हें इमीडिएटली देखते पहचान लो कि हाँ ये तो सिंपल रिएक्शन है। N2D4+H2O2 रिएक्शन, रेजेंट तुम हर किसी में लिखना। ये सिस वाला है, ट्रांस वाला, सेम चीज सिस वाला, फिर ट्रांस वाला, इसके बाद साइक्लोहेक्सीन ले लो, सेम दोनों क्वेश्चन करने हैं। N2H4+H2O2, N2D4+H2O2, एक मिथाइल लगा दो सेम। सेम चीज और ले लेते हैं। चलो ये ले लिया, ये ले लिया, सेम चीज है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेम। और एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है अलग से, थोड़ा टाइम लगाना है, एक मिनट, कोई पेरेंट्स वगैरह आए हुए हैं। RX में डाला MG
ड्राई ईथर ए मिला, ड्राई ईथर है ए मिला, ए में डाला से प्रोपेनॉल C3H7OH, तो मिला ब्यूटेन। तुम्हें बताना है RX के कितने टोटल पॉसिबिलिटीज है इंक्लूडिंग आइसोमर्स, RX की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करके। और दूसरे में लगाना कि ये मिला है मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और तीसरे में लगाना मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चौथे में लगाना इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या क्वेश्चन समझ आ गया मेरा, लास्ट वाला 8 क्वेश्चन, उसमें थोड़ा टाइम यस सर, लगेगा। चलो अब ट्राई करो क्वेश्चंस, ट्राई करना बहुत ढंग से।
गर्म क्वेश्चन हो गए। यस सर। मैं अभी आगे वाले लेक्चर में बता रहा हूँ उसके आंसर। सबने ट्राई कर लिए क्वेश्चन, लास्ट वाले कर लिया, 8th क्वेश्चन। यस सर, स्टार्ट कर जी लिया। जी चलो अभी मैं आगे वाले लेक्चर में बता रहा हूँ उसका आंसर। क्वेश्चन था ना अच्छे वाले, लास्ट वाले निकालेंगे गर्म आंसर क्या लास्ट वाले के। यस सर। मेरे को क्वेश्चन बताता रही, मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ।